हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम अड्डा में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2018 के आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे चंडीगढ़ का परिणाम जारी कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि प्रोविजनल पैनल पार्ट वन पहले कुछ दिन पहले आया था, जिसमें एक्स सर्विसमैन, सीसीए और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी हुई थी। आज सबका लिस्ट फाइनली जारी कर दिया गया है और बड़ी खुशखबरी है ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जिनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। जल्दी से अपना अपना स्टेटस चेक कर लीजिए, डिवीजन यूनिट पोस्ट का अलॉटमेंट हुआ या नहीं हुआ हमको कमेंट में बताइए, और यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसको बताने के लिए हम हाजिर हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि रेलवे ग्रुप डी की भर्ती से संबंधित हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाया करे। दोस्तों, तो आइए ले चलते हैं आपको आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों, हम आ गए हैं आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर। चंडीगढ़ जोन की ये वेबसाइट है। इससे पहले कि हम आपको इसमें बताएं क्या क्या हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस से रिलेटेड किसी भी मुद्दे पर हमसे बात करना चाहते हो तो एक एप्लीकेशन है बोलो, जिस पे जाकर के आप हमारे सेशन को बुक कर सकते हो। हम उसमें आपसे लाइव बात कर लेंगे, आपके किसी भी मुद्दे को लेकर के हम वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो आपको इस एप्लीकेशन पे जाना है, उसको डाउनलोड करना है और हमसे बात करने के लिए सेशन बुक करना है। और भी वहां पे एक्सपर्ट्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, तो इस पर अगर आपको बात करनी होगी तो जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे मैं आपको बताता हूं कि इस पे जैसे आप यहां आएंगे, पहली लिस्ट दी हुई है काइंड अटेंशन कैंडिडेट अदर देन पीडब्ल्यूबीडी सीसीए एंड एक्स सर्विसमैन, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो पीडब्ल्यूबीडी सीसीए एक्स सर्विसमैन नहीं है उनकी लिस्ट यहाँ पे, उनका स्टेटस यहाँ पे डाल दिया गया है। लिखा हुआ है डिवीजन यूनिट अलॉटेड टू एलिजिबल कैंडिडेट्स हुज नेम इंक्लूडेड इन द प्रोविजनल पैनल इज फाइनल, यानी जिन कैंडिडेट्स को डिवीजन या यूनिट अलॉट कर दिया गया है ये फाइनल है और अब इसमें कोई परिवर्तन हम करने वाले नहीं हैं। फिर कह रहे हैं कि जो भी डिवीजन या यूनिट आपको अलॉट किया गया है वो आपके मेरिट के आधार पर अलॉट किया गया है और आपका मेडिकल में स्टैंडर्ड क्या था इसके आधार पे हमने आपको मेरिट का अलॉटमेंट किया है, और अगर आप चेंज के लिए कुछ एप्लीकेशन वगैरह देते हैं तो हम उसमें कोई परिवर्तन करने वाले नहीं हैं। अब ये देखिए लिंक आ गई है, इसके पहले जो इन्होंने लिंक दिया था उसमें किसका किसका इन्होंने किया था आप देख सकते हो कि ये पहली जो लिस्ट आई थी इनकी प्रोविजनल पैनल पार्ट वन, उनमें इसमें इन्होंने सबसे पहले पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन और सीसीए कैंडिडेट्स को शामिल किया था, और बाद में कुछ कैटेगरी के कैंडिडेट का डिवीजन भी इन्होंने अलॉट किया था और यहाँ पे उसकी नोटिस आई थी। तो आइए आज वाली नोटिस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं किस तरीके से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे एक नया विंडो ओपन होगा और इस विंडो में क्या कहा गया है देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड योर स्टेटस, यहाँ पे सर्च बाय, मतलब कई तरीके से आप इसमें पा सकते हो। तो सबसे पहला आपको रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी करोगे, रोल नंबर अगर आपने सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है, उसके बाद में आपको अपना फॉर्म फाइनली सबमिट कर देना है। और जैसे ही सबमिट करोगे एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपको अलग अलग बताया जाएगा कि क्या क्या इसमें आपको किस किस पोस्ट पे ली, किस पोस्ट के लिए आपको एलिजिबल पाया गया है, आपका स्टेटस क्या है, वहां पे जाकर के ये शो हो जाएगा। तो ये अभी लेटेस्ट अपडेट आई है, सभी लोग अपना अपना रिजल्ट स्टेटस चेक कर लीजिए और हमको कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिए कि आपका सिलेक्शन किस पोस्ट के लिए हुआ है और कौन सी सीट आपके लिए रिजर्व की गई है, किस यूनिट या किस डिवीजन में आपका सिलेक्शन फाइनली हुआ है। तो बहुत बड़ी सूचना है ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो इसका इंतजार कर रहे थे, आखिर में उनको खुशखबरी मिल गई है आज। जैसा कि आपको पता ही होगा दोस्तों कि आरआरसी चंडीगढ़ में कुल मिलाकर के 7,832 पद रखे गए थे जिसका रिजल्ट फाइनली शो कर दिया गया है। सबसे ज्यादा पोस्ट के लिए जारी इस भर्ती परीक्षा के परिणाम का इंतजार सैकड़ों हजारों अभ्यर्थी कर रहे थे, और जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनको गवर्नमेंट एग्जाम अड्डा की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, उनके उज्ज्वल भविष्य की हम शुभकामना कर सकते हैं। जिन लोगों का नाम इस लिस्ट में नहीं आ पाया है वो प्रोविजनल पैनल पार्ट टू का इंतजार करें, कुछ दिक्कतों को दूर करते हुए प्रोविजनल पैनल पार्ट टू जल्द ही आएगा और उसके बारे में भी हम आपको अपडेट देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में या बोलो एप्लीकेशन पर आपका स्वागत है। मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।